हाय गाइस, आपने ये ट्रेंडिंग बबल टी कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी। आजकल इंडिया में ऑलमोस्ट हर शहर में छोटे छोटे कैफेज खुल गए हैं जो ये बबल टी सर्व करते हैं। इसमें कई सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक टी, माचा, मिल्क टी, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मिलते हैं। ये काफ़ी महंगा मिलता है काफ़ी कैफेज़ में, लेकिन आज मैं आपको घर में ये बनाना सिखाऊंगी। और ये बनाने के लिए आपको कोई टैपियोका स्टार्च नहीं चाहिए, ये जो टैपियोका पर्ल्स है हम इसे साबूदाना से ही बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बबल टी के लिए, वो है साबूदाना। साबूदाना बेसिकली टैपियोका रूट से बनता है। वैसे तो जो बबल टी होती है उसके टैपियोका पर्ल्स बड़े होते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, इसका फ्लेवर, टेक्सचर, टेस्ट बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे मैं साबूदाना को वॉश कर रही हूँ। ये वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साबूदाना के ऊपर स्टार्च होता है। इसे मैंने ड्रेन कर लिया है। अब फ्रेश वाटर डाल के हम इसे कवर करके सोक करेंगे एटलीस्ट 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के लिए सोक करना ज़रूरी है, कम टाइम नहीं चलेगा। ये अच्छे से सोक हो गया है। इसे चेक करने के लिए एक पर्ल को दबाएं, अगर वो अच्छे से दब रहा है दैट मीन्स इट इज़ रेडी। अब हम इसे ड्रेन कर लेंगे। ड्रेन करके जितना भी एक्सेस पानी है उसे निकाल दीजिए। अब ये जो टैपियोका पर्ल्स या फिर साबूदाना पर्ल्स है हम इसे पकाएंगे। पानी को बॉयल करिए, पानी बिल्कुल बॉयलिंग होना चाहिए। यहाँ देखिए बबल्स आ रहे हैं पानी में, एकदम उबलते हुए पानी में ये जो साबूदाना के पर्ल्स हैं इसे डालें और आप इसे पकने दें। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। धीरे धीरे आप देखेंगे जो बबल्स है वो ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा। एंड जैसे ही कलर चेंज होने लगा उसका मतलब साबूदाना पक गया है। बस अब ये साबूदाना पर्ल्स जो है ये बिल्कुल पक गए हैं, ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। नेक्स्ट हमें इसे ट्रांसफ़र करना है बिल्कुल ठंडे पानी में। ठंडे पानी में डालने से ये जो साबूदाना पर्ल्स है, जो इसका टेक्सचर है, वो बिल्कुल बबल टी की तरह, जो टैपियोका पर्ल्स यूज़ किए जाते हैं बबल टी में वो हल्के से चूई से होते हैं, वैसा हो जाएगा। तो बस आइस कोल्ड वाटर में ये जो साबूदाना के पर्ल्स है इसे सारा का सारा ट्रांसफ़र कर लें आप। एंड देन बस 10 मिनट ही रखना है हमें इसके अंदर, एंड फिर हम इसे छान लेंगे। छान के जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी बहुत आसान है। वो ऐसी चीज़ों से बनेगा जो अक्सर घर में होते हैं या फिर आसानी से मिल जाएंगे। जो बबल टी के पर्ल्स होते हैं वो हल्के से ब्लैक होते हैं, और वो ब्लैक इसलिए होते हैं क्योंकि वो ब्राउन शुगर से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में लिया है ब्राउन शुगर। जो डार्क वाला गुड़ होता है वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये ब्राउन शुगर को कैरमलाइज कर रही हूँ। ये देखिए वो मेल्ट हो गई है। इसमें अब हम डालेंगे पानी, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालें, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बस इतना पानी डालना है कि सारा का सारा ये जो कैरमलाइज शुगर है ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इसको थोड़ा और डार्क करने के लिए यहाँ पे मेरे पास काला वाला गुड़ है, तो मैं काला वाला गुड़ भी डाल रही हूँ। बेसिकली ये जो काला वाला गुड़ है दिस इज़ नथिंग बट रॉ जैगरी, जिसमें कोई केमिकल्स या फिर ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। अब ये जो हमने साबूदाना के पर्ल्स पकाए हैं वो हम इसमें डाल के अच्छे से पकाएंगे। ऐसा करने से ये जो शुगर है ये साबूदाना अब्सॉर्ब कर लेगा और उसका फ्लेवर और टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। तेज़ आंच पे अगर आप पकाएंगे तो जो साबूदाना है वो नीचे थोड़ा सा चिपक सकता है। और ये देखिए गाढ़ा भी हो गया है, शुगर अब्सॉर्ब हो गया है, एंड इट लुक्स परफेक्ट। अगर आप एक साबूदाना का पर्ल खा के देखेंगे तो वो बिल्कुल पका हुआ लगेगा। हमें इसे ठंडा करना है। मैं यूजुअली पैन में ही ठंडा कर लेती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट टैपियोका पर्ल्स तैयार है हमारे बबल टी के लिए यूज़ करने के लिए। हम आज की रेसिपी में कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ नहीं करेंगे। जो घर में चाय की पत्ती होती है वो ही यूज़ करनी है। सबसे पहले पैन में डालना है दूध। ये जो रेगुलर हमारा फुल फैट मिल्क होता है वो यूज़ करना है। अगर आप इसे वीगन बनाना चाहते हैं तो आप नॉन डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती। रेगुलर ब्लैक टी हमने यूज़ की है जो घर में यूज़ की जाती है। इसके अलावा बिल्कुल थोड़ी सी चीनी डालनी है, ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि टैपियोका पर्ल्स में ऑलरेडी चीनी है। हमें इसे धीमी आंच पे पकाना है। बिल्कुल डार्क कलर नहीं चाहिए, हम हल्का हल्का सा फ्लेवर चाहते हैं चाय का, तो इसे ज़्यादा पकाइएगा भी मत, बस हल्का सा पका दें। दैट्स इट, ये तैयार है।
और ये जो स्ट्रेंथ है इसको आप आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बैच बनाया, ये थोड़ा डार्कर है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि एक दूसरा बैच काफ़ी लाइट है। हम इसे छान लेंगे, चाय की छलनी की मदद से आप इसे छान लें। अब ये जो चाय है हमें बिल्कुल ठंडी करनी है, हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल एकदम रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अगर आप गरम गरम डालेंगे तो फिर बर्फ़ जो यूज़ की जाएगी वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक कैरमल दिखाया था जो गुड़ और ब्राउन शुगर से बनाया था, थोड़ा सा और कैरमल मैंने बना लिया, ये रहा वो कैरमल। तो अब यहाँ ग्लास या फिर कोई भी बॉटल जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं ये कैरमल थोड़ा सा पोर कर दें। ये बेसिकली आपका शुगर का रोल प्ले करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम ये जो कैरमल है इसको बॉटल के एजेस पे थोड़ा लगाएंगे। बेसिकली जैसे मिल्क शेक्स के लिए चॉकलेट सॉस लगाया जाता है वो ही हम कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो बबल टी के पर्ल्स हमने बनाए हैं वो भी हम डाल लेंगे। बबल टी के पर्ल्स आप कितना डालना चाहते हैं ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, बिकॉज कोई लोगों को ज़्यादा बबल पसंद है, किसी को कम पसंद है, तो इट्स टोटली अप टू यू। इसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके लिए हमें चाहिए खूब सारी बर्फ़, बहुत सारी बर्फ़ चाहिए, बिल्कुल कोल्ड और ठंडा सा होना चाहिए ताकि समर में इन्जॉय कर सकें। और बस ठंडी ठंडी बर्फ़ पे जो चाय हमने बनाई है जो ठंडी हो गई है उसे पोर कर लें। एंड दैट इज़ हाउ ईजी इट इज़ टू मेक बबल टी। ये बस इसको मिक्स कर लीजिए एंड योर होम मेड बबल टी इज़ फाइनली रेडी। ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, टेस्टी है, एंड ट्रस्ट मी जैसी बाहर मार्केट में मिलती है वैसी ही है। यहाँ पे ये वाली स्ट्रॉन्ग चाय की है और इससे पहले वाली थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग चाय की मैंने बनाई। तो बस फिर देर किस बात की है, तो आप भी इसे ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसा बना। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा। ये बबल टी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप भी इसे बनाइए और एंजॉय। आपके रोज़ के खाने को यमी और इजी बनाना यही मेरा मिशन है। अगर मेरी सारी रेसिपीज पसंद आ रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, डू कॉमेंट ऑन इट, लाइक इट एंड शेयर।